दोस्तों अब से तीन दिन पहले ही जो कारनामा इसराइल ने कर कर दिखाया है इस कारनामे ने ईरान के साथ साथ रशिया और भारत के भी माथे पर पसीना ला दिया है और इस घटना को देखने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि भारत के 5.5 बिलियन डॉलर पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुके हैं आप सभी के याद ही होगा अब से तीन दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि इसराइल ने ईरान के ऊपर एक बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है इस हमले के दौरान इसराइल ने 140 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि इस हमले के दौरान इसराइल अपने एफ थर्टी फाइटर जेट को लेकर ईरान के अंदर पहले घुसा था और अपने एफ थर्टी फाइव फाइटर जेट की मदद से सबसे पहले इसराइल ने ईरान के एस थ्री हंड्रेड डिफेंस सिस्टमों को तबाह किया था और जब सभी एस थ्री हंड्रेड डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो गए थे उसके बाद जराइल के दूसरे फाइटर जेट ईरान की राजधानी में घुसे और इन्होंने खूब दबाकर ईरान की राजधानी के अंदर बॉम्बिंग की और बताया इस समय यह भी जा रहा है कि इस बॉम्बिंग के दौरान इसराइल के लड़ाकू विमानों ने सबसे पहले ईरान की मिसाइल फैसिलिटी को निशाना बनाया था और इसराइल के इस हमले की वजह से ईरान की सभी मिसाइल की फैसिलिटी पूरी तरीके से तहस नहस हो गई थी और अब तीन दिनों बाद ईरान के ऑफिशियल की तरफ से बताया जा रहा है कि इस हमले के दौरान इसराइल ने हमारे सभी एस थ्री डिफेंस सिस्टमों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और जितना बड़ा झटका ये ईरान के लिए होने वाला है उससे बड़ा झटका ये रशिया के लिए होने वाला है क्योंकि पिछले लंबे समय से ये चीज देखी जा रही है कि रशिया के एडवांस से एडवांस हथियार भी वेस्टर्न हथियारों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं हम पहले ही रशिया और यूक्रेन युद्ध में देख चुके हैं कि यूक्रेन वेस्टर्न देशों की जेवलिन मिसाइलों की मदद से काफी आसानी से रशिया के एस फोर डिफेंस सिस्टमों को भी तबाह कर रहा है और यूक्रेन जंग में हिमार्स रॉकेट लॉन्चर की मदद से यूक्रेन की सेना ने रशिया के बहुत से एस फोर डिफेंस सिस्टमों को तबाह किया है और अब इसराइल ने भी ईरान के अंदर घुस रशियन एस थ्री डिफेंस सिस्टमों को पूरी तरीके से उधेड़ कर रख दिया है और ये चीज दिखाती है की जो रशिया की तरफ से अपने हथियारों को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हमारे एस फोर डिफेंस सिस्टम की मदद से हम काफी आसानी से अमेरिका के एफ थर्टी फाइव फाइटर जेट को मार्कर गिरा देंगे ये सभी दावे रशिया के पूरी तरीके से खोखले साबित होते जा रहे हैं एक्चुअल में देखा जाए तो जिस समय रशियन हथियारों का मुकाबला इस समय वेस्टर्न हथियारों के साथ हो रहा है तो रशियन हथियार जरा भी वेस्टर्न हथियारों के सामने टिकी नहीं पा रहे हैं इसराइल के इस हमले के बाद से ही भारत की भी टेंशनें बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई हैं क्योंकि इस समय हमारे जल्द ही दोनों ही पड़ोसी देशों के पास स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद होंगे और अगर चाइनीज फाइटर जेट के अंदर भी एफ थर्टी फाइव जैसी ही जरा भी क्वालिटी हुई तो ये काफी आसानी से हमारे भी एस फोर हंड्रेड डिफेंस सिस्टमों को तबाह कर देंगे भारत पहले ही रशिया से 5.5 बिलियन डॉलर खर्च कर, कर पांच रेजिमेंट एस फोर डिफेंस सिस्टम की खरीद चुका है लेकिन एस फोर डिफेंस सिस्टमों को तबाह होता देखते हुए अब भारत की तरफ से अपने एस फोर डिफेंस सिस्टम के साथ में अपने ई e डिफेंस सिस्टम को भी तैनात करने का फैसला ले लिया है और अब आप ही कमेंट कर कर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या अब भारत को भी अमेरिका से एफ थर्टी फाइव फाइटर जेट को खरीदना चाहिए हाँ या फिर न इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो है गुड डे